सो दोस्तों, आपको रेडमी की तरफ से काफ़ी जल्द नोट 10 सीरीज़ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस सीरीज़ के मैक्स वेरिएंट के बारे में, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं नोट 10 प्रो मैक्स स्मार्टफोन के बारे में, जहां पे आपको काफ़ी कमाल के एस्पेक्ट्स देखने को मिल जाएगा। इस डिवाइस के अंदर आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, साथ ही आपको स्नैपड्रैगन 750G का दमदार SoC देखने को मिलेगा, यानी कि आज आपको प्रीवियस रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स से ये डिवाइस काफ़ी पावरफुल होने वाली है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस डिवाइस के एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में, और साथ ही डिवाइस हमें इंडिया में कब तक और कितने प्राइस में देखने को मिल सकता है, तो जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। साथ ही अगर आप चैनल पर पहले बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये डिवाइस आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G SoC के साथ में देखने को मिलेगा। ये चिपसेट आपको 8nm की टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और इसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड आपको 2.2 GHz देखने को मिलेगा, और साथ ही आपको एडिनो 619 का GPU दिया गया है, और ये प्रोसेसर आपको 5G कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करी जाए तो इस बार आपको इस डिवाइस के अंदर क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल का दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। तो रियर कैमरा यहाँ पे आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलने वाली है। साथ ही आपको फ्रंट में मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। तो यहाँ पे गाइज आपको फ्रंट और बैक दोनों तरफ काफ़ी बेटर कैमरा देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इस बार भी आपको ये डिवाइस IPS LCD पैनल के साथ में ही आएगा, जहाँ पे आपको मिलेगा 6.67 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, जो कि सिंगल पंच होल कटआउट के साथ में आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार आपको 90Hz का रिफ्रेश का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही आपको 5000mAh का बिग बैटरी का सपोर्ट, और वहीं आपको 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जाएगा। साथ ही आपको कनेक्टिविटी के लिए USB Type-C का पोर्ट, और वहीं आपको 3.5 का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करी जाए तो ये डिवाइस आपको Android 10 पर बेस्ड होगा, जो कि Xiaomi के MIUI पर कस्टमाइज होगा। और इसके साथ ही आपको ये डिवाइस 8GB तक की रैम, और वहीं आपको 128GB तक का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो गाइस अब बात करिए इसके प्राइसिंग एंड लॉन्चर के बारे में, तो ये डिवाइस आपको काफ़ी जल्द देखने को मिल सकता है, और इसका प्राइसिंग आपको 20,000 देखने को मिलेगा। और गाइस लीक्स के मानी जाए तो ये डिवाइस आपको नेक्स्ट मंथ तक जरूर से इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे देखा जाए तो आपको ये डिवाइस अगर हमें इसी सभी एस्पेक्ट्स के साथ देखने को मिलता है, तो रियली रेडमी की तरफ से ये डिवाइस काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन होगा, और आने वाले रियलमी के 8 प्रो डिवाइस को भी कड़ी टक्कर देगा, और वहीं रियलमी के 7 प्रो स्मार्टफोन को भी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देने वाला है। तो देखते हैं रेडमी इस डिवाइस को कब तक इंडिया के अंदर लॉन्च करता है। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ।